आप यहाँ से इसको देखिए कितना कलर यहाँ पे चेंज हो रहे थे और इसके साथ ओशन का जो यहाँ पे व्यू था। हाय गाइस, वेलकम टू डिजी डेस्टिनेशंस। आज हम लोग जाने वाले हैं हैदराबाद सिटी के बीचों बीच स्थित एनटीआर गार्डन्स में। तो हम लोग एनटीआर गार्डन के अंदर भी आ चुके हैं और मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ कि एनटीआर गार्डन कैसा दिखता है। एक्चुअली रात में ये काफ़ी अच्छा दिखता है, अभी मैं दिन में दिखा रहा, लास्ट में आपको रात का भी इसका व्यू दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। तो ये पूरा एनटीआर गार्डन का बाहर का कैंपस है और यहाँ से अब हम टिकट कटाएंगे। तो टिकट फेयर यहाँ पे 20 रुपया पर पर्सन था। टिकट कटाने के बाद हम लोग यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और अंदर से मैं आपको यहाँ पे इस कैंपस का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको डिफरेंट टाइप्स के राइड्स भी मिलते हैं, सबका यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे कॉम्बो टिकट लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऑफर भी मिल रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ सेविंग भी कर लेंगे, वो चीज़ आपको नीचे दिखाया हुआ है। तो इतने टाइप्स के यहाँ पे राइड है। और अगर आप यहाँ पे टॉय ट्रेन का यहाँ पे लेते हैं टिकट, तो यहाँ से एंट्रेंस है टॉय ट्रेन का, आप देख सकते हैं। और अंदर में आपको यहाँ पे टॉय ट्रेन दिख रहा है, बस थोड़ा पता कर लेना इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, क्योंकि ये काफ़ी कम चलता है, दिन में 1 या 2 बार ये चलता है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ से आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं और आगे कुछ झूले लगे हुए हैं, कोलंबस वगैरह लगा हुआ है, तो उधर भी हम लोग जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़ा गार्डन है और यहाँ घूमने के लिए 3 से 4 घंटा एक्चुअली में आपको चाहिए, और सारे राइड्स लोगे तो 6-7 घंटा चाहिए। यहाँ पे ये पेड़ देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है, फुहारा है। तो इस तरह के काफ़ी फुहारे आगे भी हैं जो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। हमें पूरा 3 से 4 घंटा लगा था इसे घूमने के लिए और हमने एक राइड भी लिया था जो कि 1/2 घंटा का था। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे वाटर पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, और यहाँ पे ड्रीम गर्ल है, कोलंबस है, राउंड रॉबिन है, तो काफ़ी सारे झूले हैं। और सारे झूलों के अगर आप चाहोगे तो यहाँ से टिकट ले सकते हो। हमने यहाँ पे कोलंबस का टिकट लिया था और कोलंबस पे हम बैठे थे। ये आपको अभी टिकट काउंटर दिखा रहा है, यहाँ से आप इन सारे राइड्स का टिकट ले सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झूला झूलने के बाद काफी दिमाग घूम गया है, थोड़ा सा शांत करते हैं। आप यहाँ का रखरखाव देखेंगे आपको काफी अच्छा लगे। आप देखिए यहाँ पे प्लांटेशन कितना अच्छा किया गया है, फ्लावर्स हैं यहाँ पे, गार्डनिंग का वर्क काफी अच्छा है और साफ सफाई बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डस्ट नहीं मिलेगा। अब थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, जैसे कि आपको मैं बताया था यहाँ पे फुहारे बहुत सारे हैं और लोग यहाँ पे काफी खुश हैं क्योंकि एनवायरनमेंट और एम्बियंस इतना अच्छा बना के रखे हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इन्होंने गार्डनिंग किया हुआ है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है और बिल्कुल यहाँ पे सजा के रखा गया है एक एक पार्ट्स को, एक एक पेड़ को। और ये लाइटिंग वर्क जब रात को जलता है तो काफी अच्छा लगता है। अब मैं पार्क के काफी अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से आपको एक मैं राउंड व्यू दिखा रहा हूँ कि ओवरऑल मेरे को कैसा पार्क दिख रहा है गोल घूमकर। अब देखिए कितना बड़ा पार्क है और ये फुहारा कितना यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं पार्क के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि ये पार्क कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है। सामने आपको एंट्री गेट दिख रहा है जहाँ से हम लोग आए थे, काफ़ी दूर है। तो यहाँ से मैं आपको पूरा 360 व्यू दिखा रहा हूँ। ये दिन का व्यू है, रात में तो ये और खूबसूरत दिखता है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फुहारे वगैरह सब चालू हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, मन बिल्कुल यहाँ पे बहल जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे वॉकिंग वीडियो ले रहा हूँ, चलते चलते वीडियो लेकर आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक यहाँ पे फुहारा आ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके सामने कोई बड़ा सा होटल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी ये मैफेयर ग्रुप का या कोई ऐसे बड़ा ग्रुप का होटल बन रहा है पीछे में, जो कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का आवाज़ भी आ रहा था यहाँ पे। तो ये फुहारा है, अब यहाँ से हम आगे जाते हैं। ऐसे कम से कम यहाँ पे 10-12 मुझे यहाँ पे फुहारे दिखे हैं और उसके अलावा यहाँ पे डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं दिखा। अब यहाँ से देखिए क्या मार्वेलस व्यू है, बिल्कुल एकदम क्लियर व्यू है यहाँ से, सामने का होटल और जो भी यहाँ पे एंबियंस है, एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, सबका यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। और हम लोग अब आगे जाते हैं, यहाँ पे लगता है कोई वाटर एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं जाकर कि कौन सा वाटर एक्टिविटी है, और अगर मन होगा तो ये वाटर एक्टिविटी भी करेंगे अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं हुआ। कहीं कहीं पर ये होता है कि 3-4 घंटा लग जाता है अपना नंबर आने में, लाइन में रहते, तो अगर वैसा रहेगा तो हम लोग नहीं करेंगे, और अगर यहाँ पर जल्दी जल्दी एंट्री मिल रहा है तो हम लोग वाटर एक्टिविटी कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कौन सा वाटर एक्टिविटी हो रहा। एक्चुअली काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं, तो हमने जब पता किया तो पता चला कि 1-1.5 घंटा बाद हमारा नंबर आएगा, तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी नहीं किया। तो
तो चलिए अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो हमें एक छोटा सा गेट दिखा यहाँ पे, और इसके आगे थोड़ा सा ब्रिज दिख रहा है। मे बी ये ब्रिज कोई वाटर बॉडी के ऊपर है, जाकर देखते हैं। हाँ, यहाँ पे छोटा सा ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड बना हुआ है, और इसमें भी बोटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो बोटिंग कर सकते हो। बच्चे लोग खास करके यहाँ पे बोटिंग करने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो ये ब्रिज हम पार करके भी आगे जाएंगे और देखेंगे आगे क्या है। देखिए, ये गेट से हम आए थे और ये सारे वाटर बॉडी हैं। यहाँ पे भी बोटिंग हो रहा है, लेकिन पानी बहुत स्थिर है। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, तो बच्चे लोग चाहें तो यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डूबने का खतरा नहीं है, और दोनों साइड आपको यहाँ पे बोटिंग मिलेगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड, और बीच में पार्टीशन भी बना हुआ है। और इसके आगे हम लोग जाएंगे, आपको दिख रहा है ये जायंट व्हील जो दिख रहा है, यहाँ तक हम जाएंगे। देखने में काफ़ी दूर लग रहा, बट मैं वीडियो में शॉर्ट में आपको लेकर जाऊँगा, वीडियो में बीच का काट दूंगा यहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग जायंट व्हील की तरफ और देखते हैं। एक्चुअली जैसा मैंने बताया, पार्क काफ़ी बड़ा है और घूमने के लिए 4-5 घंटा भी कम लग सकता है अगर आप लोग धीरे धीरे घूमोगे तो। अब ये जो ट्रैक यहाँ पे दिख रहा है, ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉय ट्रेन दिखाया था, वो पूरे एक पार्क का एक राउंड मारता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, आप पता कर लीजिएगा, दिन में 1-2 बार ही जाता है। ये सारे प्लांट्स यहाँ पे अभी डेवलप हो रहे हैं। जब ये प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे तो इस तरह दिखेंगे। तो प्लांटेशन का काफ़ी यहाँ पे ख्याल रखा गया है, प्लांट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अब ये जगह काफ़ी यहाँ पे खाली खाली जगह है, हम जा रहे हैं अभी जायंट व्हील की तरफ। दूर से ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, बट मैं पास से जब वीडियो आपको दिखाऊंगा इसका, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना बड़ा व्हील है। एक्चुअली ये जायंट व्हील इतना बड़ा था कि इसे बाकी झूलों से बिल्कुल अलग रखा गया था, और इसके आसपास में कोई झूला नहीं था क्योंकि इसको स्पेस काफ़ी चाहिए था। तो ये जायंट व्हील के पास अभी मैं ऑलमोस्ट आ गया हूँ, और मैं पास में जाके आपको इसका पूरा व्यू देता हूँ। देखिए, मैं चलते चलते इसके पास जा रहा हूँ, और अब मैं इसके सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ से इसको देखिए कितना बड़ा है। इसका टिकट प्राइस 60 रुपये पर पर्सन था, और ये देखिए टॉय ट्रेन का ये रूट है, जैसे कुल्लू मनाली में रहता है वैसे छोटा सा यहाँ पे भी ट्रेन है, जो कि काफ़ी कम चलता है, फ्रीक्वेंसी कम है। और अब हम वापस चलते हैं, तो वापस चलते चलते आप देखिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम हो गया है, और जैसे हम आए थे, जिस पॉइंट से हम आए थे, उसी ब्रिज को पार करके हमें अभी वापस जाना है। तो वापस में भी वही सब चीज़ आपको दिखाता हूँ जो भी पड़ता है, और अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भीड़ कितना कम है, लोग फिलहाल वापस जा रहे हैं। बट ये पार्क जो है, ये आपको फुल डे स्पेंड करने के लिए भी हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है। तो अब हम लोग यहाँ से एग्जिट की तरफ चलते हैं, बट आप लोग जाइएगा मत, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मुझे नाइट व्यू दिखाना है कि रात में कैसा दिखता है। ये देखिए नाइट में इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे लाइटिंग देखिए और डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देख रहे हो, अंदर तो फुहारे थे, बाहर के फुहारे भी आप देख लो, और ये फुहारा तो मेरा बिल्कुल फेवरेट है, इस पार्क में सबसे अच्छा मुझे ये फुहारा दिखा। आपको इस फुहारे में ओशन थीम मिल जाएगा, तो ओशन थीम में डिज़ाइन है ये फुहारा, और साथ में कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, कलर यहाँ पे चेंज हो रहे थे, और इसके साथ ओशन का जो यहाँ पे व्यू था, शंख थे, कछुआ था, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था, इनफैक्ट यहाँ एनाकोंडा भी है। इसके बाद हम लोग पार्क से बाहर आ गए, और हम लोग यहाँ फुट ओवरब्रिज में खड़े हैं, और फुट ओवरब्रिज के इस पार में हुसैन सागर है, तो मैं आपको यहाँ से हुसैन सागर भी दिखाऊंगा। उस साइड में एनटीआर गार्डन था, और इस साइड में हुसैन सागर है, आप देखिए ये पूरा हुसैन सागर है। नीचे एक्चुअली ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए फुट ओवरब्रिज बनाया गया है उस साइड जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट साइड से आपको ऑटो या कैब मिलेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट वीडियो था एनटीआर गार्डन्स के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।